हाँ जी, आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करें हम। देखिए, अभी हमने अकाउंट्स के अंदर डेफिनेशन देखा। डेफिनेशन देखने के बाद अब हम क्या देखेंगे कि अकाउंट्स के कुछ और टर्म्स देखेंगे। सबसे पहले आपके ईपीएफओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा अकाउंट्स के बेस पे। तो मेरा कंसर्न ये है कि अकाउंट्स के बेस पे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं आपसे सिंपल वर्ड में जानना चाहता हूँ कि अकाउंट्स किया क्यों जाता है। सबसे पहले तो आप ये सोचिए, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप अकाउंटिंग किस लिए करते हो? देखो, करने के बहुत सारे पर्पस हैं। सबसे मेन पर्पस है ताकि आप अपने बिजनेस का खुद प्रॉफिट या लॉस जान पाओ। हम इसलिए अकाउंटिंग करते हैं। अगर अकाउंटिंग करेंगे तो हमें अपने बिजनेस का लॉस या प्रॉफिट पता चल जाएगा। लॉस या प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? क्योंकि बच्चे, आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट में, उद्देश्य ऑफ अकाउंट में, कि कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। आप अपने बिजनेस का कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट और लॉस। कैसे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस? सपोज करिए कि आपने सेल्स किया और एक महीने में आपने सेल्स किया, मान लेते हैं 5 लाख रुपए। तो सबसे पहले बताइए, आपने एक महीने में सेल्स कैसे किया है? तो सिंपल सा जवाब है कि आपने एक महीने का जो सेल्स किया है वो कहीं ना कहीं लिख करके किया होगा। तो जैसे ही आपने लिखा तो ये हो गया सेल्स 5 लाख रुपए। इसके बाद अगले बात मैं बात करूं तो आपका इस 5 लाख रुपए के लिए आपने एक्सपेंस किया, एक्सपेंस जो किया यानी खर्चा किया आपने, मान लेते हैं 2 लाख रुपए का। तो आपसे मैं सिंपल सिंपल पूछूं कि आप मुझे बताइए कि आपने कुछ प्रॉफिट कमाया क्या? आपका जवाब होगा, हाँ जी सर, आपने 3 लाख रुपए यहाँ पे बचा लिए हैं। तो जो 3 लाख रुपए बचाए हैं इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। अभी फिलहाल के लिए आपको ये समझना है। तो सबसे पहले बताओ, ये प्रॉफिट आप 3 लाख रुपए जो आपने कमाए हैं एक महीने के अंदर, तो वो पता कैसे चला? आपने सबसे पहले सेल्स को लिखा। जैसे ही आपने सेल्स को लिखा तभी अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई। तो अकाउंट करने का, आप हर कोई जानना चाहते हो बिजनेस का क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। तो आपको अगर बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहते हो तो आपको अकाउंटिंग को अपनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट की बात करें तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या देखा आपने, कि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर है पॉइंट? सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करूं मैं, सेकंड ऑब्जेक्टिव आप सोचिए, जब आप अकाउंटिंग करोगे तो कहीं ना कहीं लिखोगे। जब लिखोगे तो आप जो है किसी ना किसी रूल एंड रेगुलेशन से सारा काम करोगे, अपने फाइल्स बनाओगे, सारी चीजें आप प्रिपेयर करोगे। तो जब इस तरीके से आप काम करोगे तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि आपका एक रिकॉर्ड हर साल का मेंटेन हो गया। हर साल का रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा तो आप इजीली अपने बिजनेस को कंपेयर भी कर सकते हो कि भाई पिछले साल की तुलना में इस साल हमारे बिजनेस ने क्या अचीवमेंट हासिल किया। ये कब पॉसिबल है? जब आप कहीं ना कहीं लिखोगे यानी अकाउंटिंग करोगे। तो सबसे सेकंड अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊं तो सेकंड ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो, सर एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारा मेंटेन होगा। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का मतलब आप अकाउंटिंग जो करते हो किसी ना किसी रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से करते हो। तो कोई भी रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपकी अकाउंटिंग होगी तो उसको बोलेंगे हमने जो रिकॉर्ड बनाया है वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाया है, यानी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जैसे कि सपोज करो आपने फाइल बना लिया, सेल का फाइल बनाया आपने, एक आपने एक परचेज का, आपने एक एक्सपेंस का, तो ये सारे आपने फाइलें बनाई ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं मंथ में कि आप जैन मंथ का मुझे बताइए कितना सेल किया है, तो आप फटाफट से सेल वाली फाइल निकालोगे और उस पेज में से आप जनवरी मंथ में क्या डिटेल था वो बता दोगे। सेम पूछूं मैं परचेज में क्या होगा, तो आप परचेज में जाओगे और परचेज का निकाल दोगे। तो बताओ, जब आपने सारी चीजों को लिखा यानी अकाउंटिंग किया तो क्या आप इजीली अपने रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हो? तो एक ये भी तो ऑब्जेक्टिव है कि आप जानना चाहते हो कि इस महीने में क्या था और अब क्या हुआ। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था कि हम कैलकुलेट कर पाए प्रॉफिट एंड लॉस को। दूसरा क्या था हमारा? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। थर्ड ऑब्जेक्टिव सोचिए आप, क्यों करोगे अकाउंटिंग, क्यों टेंशन लेना चाहते हो? थर्ड ऑब्जेक्टिव, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप मुझे बताइएगा। मान लो एक दुकान है, सिंपल जवाब देना है आपने,
रटने या फिर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, दुकान है। इस दुकान को चलाने के लिए एक नौकर है जिसका नाम है रामू। रामू। और इस दुकान का मालिक है लाला जी। लाला जी, लाला जी, ठीक है। अब लाला जी को भूख लगती होगी, लंच पे जा सकता है। एक तो ये ऑप्शन है कि ये दुकान को बंद करके जाए। दूसरा ये ऑप्शन है कि लाला जी इसके ऊपर दुकान छोड़ के जाए। अगर इसके ऊपर दुकान छोड़कर चले जाएगा, छोड़कर जाना सेंस कि आप 2 घंटे तक दुकान पे बैठिए, मैं घर से लंच करके आता हूँ या लंच करके आता हूँ, घर यहाँ लंच लेके नहीं आया या किसी इमरजेंसी में जाना पड़े, तो इसके जाने के बाद ये सारा दुकानदारी कौन संभालने लग जाएगा? इसका नौकर रामू। अब अगर रामू के मन में कोई, अगर मान लो सोचता है कि भाई हम कहीं ना कहीं पैसे बचा सकते हैं, तो रामू यहाँ पे फ्रॉड भी कर सकता है। फ्रॉड यानी दुकान से सामान बेच देगा और लाला जी को नहीं बताएगा कि मैंने सामान बेचा है, और वो पैसे अपने पॉकेट में रख लेगा। ये तो बताओ, इससे नुकसान हुआ ही नहीं हुआ दुकान का? बिल्कुल जी, इससे नुकसान हुआ। तो आप मुझे बताइए, क्या इससे कैसे बचा जा सकता है? बताइए लाला जी, कैसे बचा जा सकता है? सर कैमरे लगवा लो। अब कैमरे नहीं है, लाइट ही नहीं है, तो कैमरा कहां से लगेगा? तो कैमरे भी नहीं लगवाना। और क्या रीजन हो सकता है? देखो, सिंपल सा रीजन है, ये अपना क्या करे, अकाउंटिंग कर ले। अकाउंटिंग मतलब दुकान में जितने भी सामान इसके रखे हुए हैं, अगर ये सब गिन के और एक लिस्ट बना के रखे अपने पास, तो लिस्ट बना के रखेगा, तो जैसे ही रामू को दुकान से निकलेगा, वो क्या करे, सारी चीजें को चेक कर ले। तो चेक करने के बाद क्या इसका फ्रॉड हो सकता है? नहीं हो सकता। कब? अगर उसने सारी चीजों को लिखा हो। और लिखने का मतलब ही तो क्या होता है हमारा, अकाउंटिंग करना। तो क्वेश्चन रेज होता है, सर अकाउंटिंग का ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव है कि हम कुछ ऐसा काम करें? तो हां जी, आप अपने दुकान में प्रिवेंट कर सकते हो। प्रिवेंट कर सकते हो क्या? या तो गलती हो जाए आपसे, किसी को पैसे ज्यादा लेने हैं देने हैं, तो याददाश्त तो भूल जाते हो, पता नहीं 20 लेने थे 30 देने थे, लेकिन अगर लिख के रखोगे तो नहीं भूलोगे। तो एरर को भी रोका जा सकता है। प्रिवेंट का मतलब रोकना, एरर और या फिर फ्रॉड। एरर को रोका जा सकता है या फिर फ्रॉड, या फिर फ्रॉड को रोका जा सकता है। क्या बताइए, क्लियर है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। नंबर वन क्या था हमारा अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव के, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। नंबर दो, एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा सिस्टमेटिक तरीके से। नंबर तीन, हम प्रिवेंट कर पाएंगे अपने एरर और फ्रॉड को। प्रिवेंट का मतलब रोक पाएंगे। चलिए बच्चे, नंबर चार, चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। बताइए चौथा पॉइंट कुछ और, अकाउंटिंग करने से क्या होगा, आप क्यों अकाउंटिंग को ऑप्ट करोगे? तो हम चाहते हैं अकाउंटिंग जब भी करते हैं तो एक साल को दूसरे साल से कंपेयर करने के काम करते हैं, कि एक साल से दूसरे साल को कंपेयर करना। कंपेयर करने का मतलब आप जानना चाहते हो बच्चे कि 2010 में और 2011 में, मान लेते हैं कि सेल्स की मैं बात करता हूं, सेल्स मान लेते हैं 50,000 है इस साल, और इस साल में मान लेते हैं कि 1,00,000 है। आप बताइए, क्या आपको 2 साल का अगर मैं डेटा दूं तो कहीं ना कहीं माइंड में कुछ ना कुछ चलेगा आपके। क्या चलेगा? कि भाई हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। लेकिन अगर मैं 2011 का डेटा दूं आपको, 2011 का डेटा दूं, सपोज करो 2011 का डेटा दिया मैंने 30,000, तो बताइए क्या आप कुछ एक्शन लोगे? बिल्कुल एक्शन लोगे कि सर 2010 और 2011 और सॉरी 2012 की बात करते हैं, 2012, तो एक्शन क्या लोगे कि सर हमारी यहाँ पे तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है लेकिन यहाँ डिक्रीज हो गए। कैसे आपने पता किया कि ये परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है? क्योंकि आपको पूरे साल का क्या पता था, सेल्स। और सेल्स कैसे पता चला आपको? बिकॉज ऑफ आपने कहीं ना कहीं लिखा था, तो यानी अकाउंटिंग करा है। तो आप जानना चाहते हो आपके बिजनेस का क्या है पोजिशन, तो नो टू बिजनेस पोजिशन, बिजनेस पोजीशन, बिजनेस पोजीशन। अब मैं अगर बिजनेस पोजीशन की बात करूं, तो पोजीशन के अंदर आपने, या फिर आप बिजनेस पोजीशन बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो फाइनेंशियल पोजीशन, या फाइनेंशियल पोजीशन ठीक रहेगा, फाइनेंशियल, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है पोजीशन।
ऑफ बिजनेस। और क्या जानना चाहते हो आप? आप जानना चाहते हो अभी एक के आप एक ऐप का नाम लेता हूं, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, खाता बुक करके, उसमें एडवर्टीजमेंट आता है, अरे अंकल आपको याद नहीं कि इतने पैसे देने हैं लेने, तो वो कैसे पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग की वजह से, किसको कितने पैसे दिए, कितने लिए, आपके बैंक में कितना पैसा है, कैश में कितना पैसा है, इन सभी को जानना चाहते हो, तो इन सभी को जानने को ही तो बोलेंगे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो एक पॉइंट हो गया हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। नंबर पांच, एक और उद्देश्य है हमारा अकाउंटिंग करने का, आप मालिक हो, आप कंपनी की सारी डिटेल को जानना चाहते हो। सारी डिटेल से मेरा मतलब रहेगा यहां पे कंपनी के अंदर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, हम इसको समझते हैं। देखो, कंपनी के पास चार चीजें होती है हमेशा, एसेट, अगर कंपनी के पास मैं बताऊं तो क्या क्या चीजें होती है, एक तो एसेट, हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन बाद में करेंगे, एक होता है लाइबिलिटी, एक होता है एक्सपेंस, एक होता है इनकम। इन दोनों के डिटेल जहां पे हम फिल करेंगे, जहां रखेंगे, उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति। लाइबिलिटी का मतलब कर्जा। एक्सपेंस का मतलब खर्चा। इनकम का मतलब आपका आय। तो इन दोनों को जहां पे आप रखते हो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट। और इन दोनों की डिटेल जहां पे रखेंगे उसको बोलेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, P&L भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपका बैलेंस, कितने एसेट्स है, कितने लाइबिलिटी है, कितना इनकम है, ये सारा आप कहीं ना कहीं देखना चाहते हो। और सिर्फ आप ऑनर हो तो आप नहीं, आपके एम्प्लॉय भी देखना चाहते हैं। सर, एम्प्लॉय क्यों देखना चाहेंगे? बिकॉज आपकी अगर जॉब कहीं ऐसे जगह पे लगाया जाए जिसके कंपनी का कोई भरोसा नहीं कि कब डूब जाए, तो क्या बताइए कि आप वहां पे जॉब करना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। आपको जॉब का मतलब स्टेबिलिटी चाहिए। आप सब गवर्नमेंट जॉब की क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो? क्योंकि एक स्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं, इसलिए चाहिए। सेम आपको कैसे पता कि गवर्नमेंट जॉब की आपके स्टेबिलिटी है या प्राइवेट जॉब की स्टेबिलिटी है? तो आप उस कंपनी की कितना कमाती है और कितना खर्चा है, अगर कंपनी बड़ी है, इसके हिसाब से अगर आपको पता चले तो आप एक अंदाजा लगा लेते हो मोटा मोटा कि नहीं, इस कंपनी में हमारे लिए लॉन्ग टाइम तक हम सर्वाइव कर लेंगे। तो आप कौन हो? एम्प्लॉई। तो आप भी जानना चाहते हो इसका। दूसरा, कोई अगर आपके बिजनेस को उधार माल दे तो कब देगा उधार माल? जब आपका रेपुटेशन होगा। रेपुटेशन कब होगा? जब आपका बिजनेस क्या हो, बड़ा बिजनेस हो। बड़ा बिजनेस तभी हो सकता है जब आपके बिजनेस के बहुत सारे एसेट्स हो और लाइबिलिटी दोनों का कंपैरिजन, अच्छी अकाउंटिंग हो, गुड गवर्नेंस हो, तो उसकी वजह से तभी आपको उधार माल मिलेगा। तो यानी डेटर भी, जो उधार माल देगा यानी सप्लायर, वो भी कर सकता है। ऐसे ही आप किसी को उधार माल जब बेचोगे तो आपके दुकान से भी वही खरीदता है। जैसे कि मैं बात बताऊं तो मुझे अगर कोई काम पड़ता है, मुझे कोई चीज लेनी होती है, आपको AC लेनी है, तो AC आप दूसरी कंपनी की क्यों नहीं खरीदते? कुछ कंपनी को बोलते हो सर ये लोकल कंपनी है, और कुछ कंपनी जैसे ओ जनरल, ये अच्छी कंपनी है। कैसे? आप जानते हो कंपनी बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी कैसे? ज्यादा जगह में है इसलिए बड़ी नहीं है, उस कंपनी के फाइनेंशियल पोजिशन बहुत स्ट्रांग है। तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इंफॉर्मेशन मिल पाए, इंफॉर्मेशन दे पाए टू यूजर। हम इस पे अलग से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यूजर, यूजर कौन कौन हो सकता है? ऑनर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, बैंक, ये सभी यूजर हो सकते हैं। और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अभी फिलहाल यहीं तक देखते हैं। तो देखो, मैंने पांच पॉइंट डिस्कस किए, बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए, प्रॉफिट को ढूंढना। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए मैंने क्या लिखा, एक आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या लिखा, अपने एरर को प्रिवेंट कर सकते हो और फ्रॉड से बचा जा सकता है। चौथा, अपने बिजनेस के पोजीशन को पता कर सकते हो कि आपके बिजनेस का क्या पोजीशन होगा। पांचवा, इंफॉर्मेशन टू
यूजर, यूजर को क्या इंफॉर्मेशन दोगे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है। तो हमने अभी करा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स, और ये सारे आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, और इसमें डिटेल में रिटर्न भी है कि क्या क्या मीनिंग है। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप नोट्स को भी यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए। ज्यादा नहीं पढ़ना, इसको हम बार बार रिपीट करेंगे और पढ़ेंगे, तो आप एक बार फटाफट से इसको नोट करिए। नोट जरूर करना है, देखो नोट्स, और या फिर पिक आपने क्लिक कर ली तो वो वहीं पे रह जाएगा, आपने नोटिंग जरूर करनी है। तो एक बार नोट करिए ताकि आपको मेमोराइज रहे अब एनी टाइम तक। तो प्लीज आप इसको नोट करिए, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो ये हमने देखा अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस। तो देखो ऑब्जेक्ट हो गया तो एडवांटेजेस बहुत आसान से हो जाएगा। चलिए आप इसको एक बार नोट करिए। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने अभी इससे पहले डेफिनेशन कर लिया और ऑब्जेक्टिव कर लिया, आज हम देखेंगे अकाउंट्स के एडवांटेजेस, यानी अकाउंटिंग के फायदे क्या-क्या होते हैं। तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज दोनों लगभग लगभग मान के चलो आप एक जैसा ही है। लगभग आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम क्यों करें। अगर आपको पता चल जाए कि इस चीज को हम इसलिए कर रहे हैं तो आप, बट ऑब्वियस है कि उस काम को तभी करोगे जब आपको उससे पर्टिकुलर कोई फायदा मिलेगा। तो आज हम एडवांटेज की बात करने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो हमने देखा था, क्या क्या देखा था? कैलकुलेट प्रॉफिट, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, और इसके साथ साथ इंटरनल इंफॉर्मेशन टू यूजर। एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज जो होगा आपका वो होगा इंफॉर्मेशन मिलेगा किसके रिगार्डिंग प्रॉफिट। अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, यानी आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो फर्स्ट एडवांटेजेस की बात करें, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का इंफॉर्मेशन मिलेगा, कैसे निकालोगे प्रॉफिट एंड लॉस? देखो अकाउंटिंग करोगे तो सेल्स मान लेते हैं, आपने बोला सेल्स मान लेते हैं 10,000, इसमें से माइनस कर दोगे एक्सपेंस, एक्सपेंस मान लेते हैं कि 6,000, तो बट ऑब्वियस है आपने इनकम कमा लिया 4,000। तो इस तरीके से अब सेल्स आपको अकाउंटिंग की वजह से पता चलेगा और एक्सपेंस भी। पॉइंट नंबर टू, और क्या होगा? मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगा, मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगा। सर मैनेजमेंट को हेल्प कैसे मिलेगा? देखो जैसे कि आपका मैं अगर सिंपल से वे में बोलूं तो मैनेजमेंट को हेल्प डिसीजन मेकिंग में मिलेगा। डिसीजन मेकिंग का मतलब अगर बिजनेस का प्रॉफिट कम है या आपका सेल्स कम हो रहा है या बिजनेस में कोई थेफ्ट हो रहा है तो बिजनेस उसी पर्टिकुलर एरिया पे मैनेजमेंट क्या करेगा? जाके डिसीजन ले सकता है। मान लो सेल्स में गड़बड़ी हो रही है, सेल्स कम हो रहा है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा? उसी पर्टिकुलर सेल्स जहां से होता है वहीं पे वो कंट्रोल लगाएगा कि भाई सेल्स कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और फिर उस सेल्स के ऊपर क्या करेगा? वो कंट्रोल लगा के उस सेल्स को इंक्रीज करेगा। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को किस एम्प्लॉय को कितना सैलरी देना है नहीं देना है तो मैनेजमेंट की भी एक तरीके से हेल्प करेगा। तो अकाउंटिंग करने के फायदे देखिए, सबसे पहला है इंफॉर्मेशन प्रॉफिट के रिगार्डिंग मिलेगा, दूसरा है आपका मैनेजमेंट की हेल्प करेगा, थर्ड क्या हो सकता है आप सोचिए क्या फायदे मिल सकते हैं आपको अकाउंटिंग करने के बाद। तो अगर मैं थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो आपको बेनिफिट फायदा मिलेगा असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, असेसमेंट ऑफ टैक्स, यानी टैक्स को कैलकुलेट करने में, या टैक्स लाइबिलिटी बोल सकता हूं। आपको याद होगा लाइबिलिटी मतलब क्या होगा? हमारा कर्जा। तो आप अगर प्रॉफिट निकाल पाओगे तो आप इनकम टैक्स किस पे देते हो? प्रॉफिट के ऊपर ही दोगे। तो अगर आपने प्रॉफिट निकाल लिया है तो प्रॉफिट के ऊपर आप क्या करोगे? इनकम टैक्स दे पाओगे। तो एक ये भी हमारा एडवांटेज है कि हम असेसमेंट कर सकते हैं अपने टैक्स लाइबिलिटी की, कि
कि कितना हमें टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहिए और कितना हमें इसका साल का प्रॉफिट हुआ, तो इससे बेनिफिट मिल सकता है। पॉइंट नंबर फोर, लोन लेने में फैसिलिटी, फैसिलिटी इन लोन। तो लोन आपका, अगर आपने लोन लेना है तो लोन बड़े इजीली मिल जाएगा, क्योंकि लोन लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप जाओगे बैंक के पास, या आप जाओगे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, FI। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस क्या है? बच्चे, बैंक का जो मेन उद्देश्य होता है पैसा जमा करना और साथ के साथ लोन देना भी होता है। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपका बजाज कैपिटल, जैसे कि आपका होम क्रेडिट, मास्टर कैपिटल, इन मुथूट फाइनेंस, इन सबके पास अगर आप जाते हो तो ये आपके पैसे को जमा नहीं करेंगे। ये आपको सिर्फ और सिर्फ लोन तो देंगे लेकिन पैसे जमा नहीं करेंगे। तो ऐसी संस्था जो कि सिर्फ लोन देने का काम करती है उसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, और जो संस्था दोनों काम करती है उसको बैंक कहते हैं। तो बैंक के पास अगर जाते हो आप, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हो, आप गए और आपने बोला कि सर मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो लोन आपको किस बिहाफ पे मिलेगा? अगर आप जॉब करते हो तो सैलरी, तो जॉब करते हो तो कॉमर्स का मतलब ही नहीं है आपका, आपका सैलरी तो नॉर्मल वहां से कैलकुलेट होगा। तो अगर आपका लोन की बात करें तो लोन जब लेने जाओगे तो जो बैंक है वो बोलेगा अपने बिजनेस का आपका प्रॉफिट कितना कमाते हो, जिसे हम नेट प्रॉफिट बोलने जा रहे हैं। अगर बोलोगे सर हमें प्रॉफिट का तो नहीं पता, तो बैंक बोलेगी हम आपको लोन नहीं दे सकते। पहला इसका यही होगा कि आपका प्रॉफिट क्या है, आपका टर्न ओवर क्या है। अब ये टर्न ओवर का मतलब क्या होता है? टर्न ओवर का मतलब सेल्स होता है। दूसरा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपसे क्या पूछेगी? प्रॉफिट। तो अगर आपके बिजनेस का प्रॉफिट ठीक है, बिजनेस का प्रॉफिट ठीक का मतलब कि अगर जितना लोन लोगे उस लोन के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस का प्रॉफिट उसके कंपेटेबल है, देन आपको लोन इजिली मिल जाएगा। तो आपको लोन लेने में भी फायदा मिल सकता है अगर आप क्या करोगे? अकाउंटिंग। क्योंकि अकाउंटिंग करोगे तो प्रॉफिट पता चलेगा, प्रॉफिट पता चलेगा तो लोन लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? मैनेजमेंट की भी हेल्प हो सकती है कि सेल्स कम हो रहा है, परचेज ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे है। टैक्स कैलकुलेशन भी हो सकता है। नंबर पांच, एक वो भी तो हो सकता है, प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड। प्रिवेंट का मतलब, लास्ट क्लास के अंदर ही हमने डिस्कस किया था प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड का मतलब, कि हमारे जो एरर होते हैं, गलतियां, अगर अकाउंटिंग करोगे तो वो उन गलतियों को ढूंढा जा सकता है। अगर फ्रॉड हुआ है तो इजीली उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसको ढूंढा जा सकता है कि कहाँ पे फ्रॉड हुआ है। तो देखो मैंने ये पांच पॉइंट अभी लिखा है, और बताइए आप क्या पॉइंट हो सकता है एडवांटेजेस के। एक तो मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट निकालोगे। क्या सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना हमारे बिजनेस के लिए एडवांटेजेस है? बिल्कुल, आप यहाँ पे वो पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हो कि हमारे बिजनेस का सिस्टमेटिक। क्या फाइनेंशियल का पोजीशन पता करना हमारे बिजनेस किस तरीके से व्यापार कर रहा है, क्या ये हमारे लिए एडवांटेजेस हो सकता है? बिल्कुल, ये भी आपके लिए एक एडवांटेज है, तो उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद आगे बात करें एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट का मतलब क्या है? मान लेते हैं एविडेंस इन कोर्ट, ये भी एक एडवांटेज है। देखो आपको बस मेमोराइज करना है और ज्यादा कुछ नहीं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप ये मान लीजिए आप, और आप जो होते हो ना इनकम टैक्स के नजर में, आप अगर टैक्स के लिए लाइबल हो तो आपको SSC बोला जाता है, ठीक है? और ये है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपको 50 लाख रुपए पे टैक्स देना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि आपको 50 लाख पे टैक्स देना है। आप बोलोगे सर हमारी तो इनकम ही नहीं है 50 लाख जिसपे हम टैक्स देंगे। तो आपने बोला हमारी इनकम ही नहीं है 50 लाख जिसपे हम टैक्स देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में इनकम टैक्स वाला बोलता है आपको टैक्स देना है, और आप बोलते हो हमारी इनकम नहीं है, तो क्या आप इसको 50 लाख पर टैक्स दे दोगे? जवाब होगा कि नहीं।
हम 50 लाख पे क्यों टैक्स दें जब हम कमाते ही नहीं, लेकिन इनकम टैक्स वाला बोलता है हम लेंगे। ऐसे सिचुएशन में इनकम टैक्स वाला आप पर कानूनी कार्रवाई करेगा। जब कानूनन कार्रवाई करेगा तो आपका जो फैसला है वो कहां चले जाएगा, कोर्ट में। जब कोर्ट में ये फैसला जाएगा तो कोर्ट में फैसला जाने के बाद कोर्ट में जज आपसे पूछेगा कि आप क्यों नहीं गवर्नमेंट का टैक्स पेमेंट कर रहे हो। तो आपका जवाब होगा, सर हम क्यों गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करें, हमारी तो इतने इनकम है नहीं। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट पूछेगा आप कैसे प्रूफ करोगे कि आपके इतने इनकम नहीं है। देन आप क्या करोगे, अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जो निकाला हुआ है सारा डिटेल डॉक्यूमेंट बैलेंस शीट आप जज को प्रूफ के तौर पे दोगे। प्रूफ जज देखेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारा ये आपका इतना प्रॉफिट नहीं है, तो उस केस में आप केस जीत जाओगे और उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वो सिर्फ पेपर पे नहीं होता लिखा हुआ। कुछ स्टूडेंट सोच भी सकते हैं कि भाई हम तो कुछ भी बना के दिखा देंगे जज को। नहीं, उस प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाते हो, जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, उस पे ऑथेंटिकेशन होना चाहिए किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट का। तो अगर चार्टेड अकाउंटेंट बोल देता है कि आपको इतना प्रॉफिट है तो कोर्ट उसी को अप्रूव्ड कर देगा। ठीक है, तो देखो बच्चे मैंने 6 एडवांटेजेस करे हैं। पहला हमारा प्रॉफिट, दूसरा मैनेजमेंट का हेल्प, तीसरा क्या था हमारा असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, चौथा लोन टेकन यानी फैसिलिटी ऑफ लोन, प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड और एविडेंस इन कोर्ट। ये 6 एडवांटेजेस थे आपके किस चीज के, ये 6 एडवांटेजेस हैं हमारे अपने बिजनेस में, सॉरी अपने अकाउंटिंग करने के हमारे ये हैं एडवांटेजेस। तो एक बार फटाफट से इसके पॉइंट्स नोट करना है और इन सब के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ अपने जो बोलते हैं ना कि हमें मेमोरी याद रखने के लिए, तो आप जब तक आप अपने ओन लैंग्वेज में नहीं लिखोगे इसके ब्रैकेट में इसका मतलब क्या है, तो फिर भूल जाओगे। उससे क्या होगा, जब आप रजिस्टर को पेज पलटोगे तो बस आपने पेज पलटना है, सारा आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, आपको फटाफट से नोट करिए और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट्स बना के लिखना है। जल्दी से आप नोट करिए इसको। जल्दी जल्दी नोट करिए। जब मैं समझाऊं तो बस आपने समझना है, नोटिंग सबसे लास्ट में करना, मैं प्रॉपर टाइमिंग दूंगा, समझते टाइम पे सिर्फ आपने समझना है और ईमानदारी के साथ नोट करना है आपने। कर लिया नोट आपने? चलिए अब हम इसके बाद एडवांटेज के बाद स्टार्ट करते हैं।